वेलकम टू ऑल साथी एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही पिछले वीडियो में कहा था साथियों कि आप 24 तारीख को चेक करेंगे, आपका इंटरव्यू का डेट मिल जाएगा। और देखिए 25 तारीख BSSU एक दिन लेट चल रही है और शायद पूजा वगैरह के कारण, पर आज 25 तारीख को ये देख पा रहे हैं। 25 तारीख का नोटिस है हिंदी विषय, जो कि सबसे बड़ा विषयों में से एक। अभी उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। हिंदी विषय में कुल 292 पोस्ट हैं और उसका इंटरव्यू का डेट घोषित कर दिया गया है। और कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है वो उसने एक विवाद पैदा कर दिया है। और निश्चय ही और यह विवाद, जिस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, यह विवाद आगे बड़ा रूप लेगी, ये पूरी तरह तय है। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है, जितने सीट्स हैं 292 सीट्स हैं, आपको तीन गुने को बुलाना है। तीन गुना कितना हो जाएगा, तो 876 876 लोगों को इंटरव्यू में कॉल आएगा। ऐसा नहीं कि अभ्यर्थियों की कमी है। अब जो लिस्ट दी गई थी 4,500 की लिस्ट दी गई थी एलिजिबल और इनएलिजिबल को मिला के, तो इसके बावजूद यहाँ पे हम लोग देखते हैं मात्र 777 लोगों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। और ये जबकि अन्य सभी विषयों में तीन गुना बुलाया गया है। तो हिंदी के साथ ऐसा क्यों हुआ सौतेला व्यवहार, ये एक विवाद का विषय है और BSSU ने विवाद को क्रिएट कर दिया है और ये एक बड़ा रूप लेने वाली है। देखिए 876 के जगह मात्र 777, यानी लगभग 100 स्टूडेंट को कम बुलाया गया, 100 स्टूडेंट्स को कम बुलाया गया। तो ये निश्चय ही बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ी कह सकते हैं, ये एक तरह से विवाद को पैदा करेगी। और जिसको भी बुलाया गया 777 स्टूडेंट्स को, उसको एग्जाम फाइटर नंबर 1 फैमिली मेंबर की तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप इंटरव्यू क्रैक करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बने और हिंदी विषय को सिर्फ बिहार में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसे गौरवान्वित करने का काम करें। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है रिसर्च करने का, और वह नए नए कार्यों के माध्यम से एक नया इतिहास लिख सकते हैं और हिंदी विषय को एक नई पहचान दिला सकते हैं। तो देखिए और इसमें मुख्य बात है क्या की कही गई है, ये 777 स्टूडेंट्स हैं, इनका इंटरव्यू होना है और सबका यहाँ पर सीरियल नंबर, ये UID नंबर आप इसे मिलान कर लेंगे। और इंटरव्यू के लिए क्या कहा गया है, इंटरव्यू के कौन कौन सा डेट है देख लें, 3 नवम्बर, 4 नवम्बर, 5 नवम्बर, 6 नवम्बर, 7 नवम्बर और 8 नवम्बर, बिल्कुल कंटिन्यूस है, पूरा लगातार इंटरव्यू होना है आपका। वो स्टार्ट हो जाएगा गुरुवार से और गुरुवार से हो जाएगा, इसके बाद फिर बीच में रविवार है, लेकिन रविवार को भी इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी आयोग अपने तरफ से फुल्ली स्पीड में इसे करना चाहती है। और फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों टाइम होगा, जिसका फर्स्ट सीटिंग है उसका रिपोर्टिंग 8 बजे रहेगा। यानी देखिए रिपोर्टिंग 8 बजे पूर्वाह्न में पहुँच जाए, आप 7:30 में ही पहुँच जाएँ तो बेस्ट रहेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या क्या लेके जाना है वो भी देख लीजिए। और जो सेकंड पाली में उसे 11 बजे पहुंचना है, ठीक है। और साक्षात्कार के की सूचना जो है आपको निबंधित डाक द्वारा भेजी जा रही है और आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। तो निबंधित डाक का वेट ना करें, आप ईमेल आईडी से ना प्रिंट आउट निकलवा लें और इंटरव्यू के लिए पूरी तरह रेडी रहें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि साक्षात्कार के समय आपके ने जो अप्लाई किया था, आवेदन के समय जो अपलोड किया था अपने आवेदन के समय, वो सारे कागजात की 2-2 सत्यापित प्रतियां, यानी इसका 2 कॉपी जीरोक्स आपको उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। और मूल प्रति तो ओरिजिनल तो आपके साथ रहेगा ही, इसके अलावा 2 कॉपी आपको लेके जाना है। इसके साथ ही कहा जाता है शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी साक्षात्कार की तिथि को ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को पिता के नाम, याद रखिएगा महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं उसके पते से बना मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बना हुआ चाहिए, पति के नाम से नहीं। और अगर आप OBC में हैं तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, क्योंकि रिजल्ट में भी ज़्यादा लेट नहीं लगने वाला, इसलिए उसी दिन मांग रही है, आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को आप अच्छे से रेडी करके जाएं, ताकि आप इन सब कारणों से ऐसा ना हो कि आपको छटनी कर दिया जाए। आप इन सब साधारण सी चीज़ें हैं, आपके पास अभी वक्त है, अभी तो आप आराम से इसको जल्दी से जितना हो सके बना के पहले से रेडी हो जाए। तो ये था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथियों। साथ ही जिन्होंने भी
इस लिस्ट में अपना स्थान पाया है हिंदी विषय का, उन सभी को एग्जाम फाइटर नंबर 1 के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक, इंटरव्यू क्रैक करें यही शुभकामना है, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। साथ ही कहना चाहूँगा इस प्रकार के वीडियो BSUSC के किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी छोटी और बड़ी हर इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है आपको। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही साथियों ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से या सेंटर से निकलने वाली प्रत्येक वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाएगी, उसके लिए वो मुफ्त में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।